हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो रिसेंटली हम लोग घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने को भी सोच रहे थे। उसको लेके हमने काफ़ी डीप रिसर्च किया और जब घर हमें खुद खरीदना होता है तो समझ सकते हैं जो रिसर्च हम करते हैं उस रिसर्च का क्वालिटी क्या होगा। और जब हमने यहाँ पर डीप रिसर्च किया तो मुझे यहाँ पर कुछ वाइटल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको भी यहाँ पे फ़ायदा मिल सके। तो आप लोगों को 4 मई का डेट तो याद ही होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट से इन्वॉल्व हैं तो आपको 4 मई का डेट अच्छे से याद होगा क्योंकि उस दिन मार्केट भी बहुत ज़्यादा गिरा था। उस दिन RBI ने अनशेड्यूल्ड मॉनेटरी पॉलिसी मीट बुलाया था और वहाँ पे उसने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया था और उसके बाद रेपो रेट इंक्रीज़ होकर हो गया आपका 4.4%। अब रेपो रेट इंक्रीज होने से क्या होगा, रेपो रेट इंक्रीज होने से बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, यानी बैंक जिस रेट से RBI से पैसा लेता है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो बैंक पे बर्डन आएगा वो बर्डन कहाँ पे पास करेगा, वो बर्डन कस्टमर तक पास होता हुआ दिखेगा और उसके बाद क्या होगा, लैंडिंग रेट भी इंक्रीज होगा, यानी जिस रेट पर बैंक आपको लोन देता है वो भी यहाँ पर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, यानी यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होगा। पहले जो आप कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन लेते थे वो इंटरेस्ट रेट अब यहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो RBI ने रेपो रेट क्यों इंक्रीज किया, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। उसके साथ साथ RBI ने जो रेपो रेट इंक्रीज किया है इसका इम्पैक्ट यहाँ पे टेम्प्ररी होगा या फिर परमानेंट होगा या फिर कब तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। और अगर हम ये सारा रीजन फाइंड कर लेते हैं तो हमको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या अभी ये सही समय है प्रॉपर्टी बाय करने का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन का हम जैसे होम बायर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने को जा रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो घर बनाने में जो भी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, चाहे सीमेंट हो, स्टील हो, आयरन हो या फिर पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो, उन सब का क्या होगा, उन सब का कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। एज ए रिजल्ट जो हमारा फिनिश्ड होम होगा उसका क्या होगा, उसका कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, यानी जो घर हमें पहले कम दाम पे मिलता था वो यहाँ पे हमें ज़्यादा दाम पे मिलेगा। और यहाँ पे हम एक्सपर्ट के नज़रिए से देखते हैं एक्सपर्ट लोगों का क्या मानना है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि RBI ने जो अपना रेपो रेट इंक्रीज किया आने वाले टाइम में और एग्रेसिव तरीके से RBI अपना रेपो रेट इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। इवन RBI गवर्नर का जो रिसेंट इंटरव्यू आया था CNBC TV18 न्यूज़ पे, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बोला है कि आने वाले टाइम में एग्रेसिव तरीके से RBI अपना रेपो रेट इंक्रीज करेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट बैंक अपना लैंडिंग रेट भी इंक्रीज करेगा और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा अगर आप होम लोन लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेते हैं। तो RBI का जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीट है वो आपको June 8 को है और वहाँ पे उम्मीद है कि RBI अपना रेपो रेट इंक्रीज करेगा। एटलीस्ट लास्ट टाइम जितना इंक्रीज किया था 40 बेसिस पॉइंट उतना तो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा भी होता है तो यहाँ पे आपको सरप्राइज नहीं होना है। एज अ रिजल्ट अगर RBI अपना रेपो रेट आगे इंक्रीज करता है तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी आगे इंक्रीज होगा और आपको घर इटसेल्फ महंगा आपको मिलता हुआ दिखेगा और जो कम इंटरेस्ट रेट का जो रिजिम था, जो पीरियड था, वो यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखेगा। और तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो लो इंटरेस्ट रेट का हनीमून पीरियड था वो यहाँ पे खत्म होगा और अब जो रिजीम आएगा, अब जो पीरियड आएगा वहाँ पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और जो लो इंटरेस्ट रेट हम लोग देख रहे थे वो 15 ईयर का लो इंटरेस्ट रेट था और इतना ज़्यादा लो इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक रहने वाला भी नहीं था। तो यहाँ पर हमने होम बाइंग से रिलेटेड या फिर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ था उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं, क्या ये सही समय है घर बाई करने का या फिर नहीं। तो हमने जो ऊपर डिस्कस किया था उसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन पहुँचे, उसके बेसिस पे हम ये कंक्लूजन पहुँचे कि अगर अभी हम घर बाई नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा, हमें घर महंगे रेट पे मिलेगा और उसके साथ साथ अगर हम घर बाई करने के लिए होम लोन लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी बाई करने के लिए लोन लेते हैं तो वो लोन भी हमें महंगे इंटरेस्ट रेट पर मिलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अब हम आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहेंगे। अगर हम कैलेंडर ईयर 2022 की बात कर लें तो 2022 के फर्स्ट 3 मंथ में यानी जनवरी से लेकर मार्च तक में जो रेसिडेंशियल कॉस्ट है वो यहाँ पे आपका 4% के करीब इंक्रीज होता हुआ दिखा है और ये सिर्फ अभी इंक्रीज हुआ। और अगर हम नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स की बात करें तो नेक्स्ट 6 to 9 मंथ में जो रेसिडेंशियल कॉस्ट है वो आपका 5 से 10% और इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। सो अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय होगा जहाँ पे आप घर खरीद सकते हैं और अभी गोल्डन पीरियड है जहाँ पे आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी या फिर घर खरीद सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो डेट्स ऑल फ्रेंड्स,
जय हिंद।